किस तरह से देख रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि मिशन जो कश्मीर जिसे कहा जाता है उसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि 3 सीट हमारी हैं और हम ही विजय करेंगे। देखिए, चुनाव जब तक लड़ा जा रहा है हर दल ये कह सकता है वो बहुत भारी बहुमत से जीतता है, और हमारे विपक्षी दल जितने हैं वे अपने एजेंडा जर्नलिज्म की मदद से बार बार ये जताने की कोशिश भी करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी अब आएंगे नहीं आएंगे तो सीटें कम हो जाएंगी वगैरह वगैरह प्रचार करते थे, मगर नरेंद्र मोदी जी पहले से ज़्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनाकर यहाँ पर देश के विकास में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। इसी तरीके से अब भी वे इस प्रकार का नरेटिव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब इंडी ब्लॉक आ जाएगा, इंडी अलायंस आ जाएगा, घमंडिया गठबंधन आ जाएगा, मगर वो अच्छी तरह जानते हैं उनके पास अब स्पेस नहीं है, तो एक एजेंडा चलाने की कोशिश की जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि रोज़ रोज़ इस एजेंडे का जवाब मत दो, इसको काम करके डेवलपमेंट करके जनता के सामने इस एजेंडे का जवाब देने का काम हमें करना है। इससे पहले कश्मीर फाइल को लेकर उन्होंने कहा था कि दिखावा है, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 पर जो आधारित ये फिल्म बनाई है वो भी एक दिखावा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे पीडीपी हो, इस तरह की वक्तव्य उनके आ रहे हैं। आर्टिकल 370 कैसे दिखावा हो सकता है? आर्टिकल 370 भयावह चित्र है। आर्टिकल 370 के चलते बहुत सारे सैकड़ों वाल्मीकि भाइयों के परिवारों को, बच्चों को नौकरियां नहीं मिली थी, लाखों हजारों माएँ के बच्चे पैलेट गन्स की मार से घायल हुए थे, हजारों बच्चों के हाथ में लैपटॉप और किताबों की जगह पत्थर दे दिए गए थे। 370 तो वो भयावह अध्याय है जिसको कोई बात नहीं करना चाहेगा। 370 एब्रोगेशन उनके लिए झूठ हो सकता है क्योंकि 70 साल में उन्होंने यहाँ पर रेलवेज पे, ब्रिजेस पे, टनल्स पे, रोड्स पे, आईआईएम्स पे, आईआईटीज पे, एम्स पे, आयुष्मान भारत कार्ड पे, उज्ज्वला पे कोई काम नहीं किया था, इसलिए उनके लिए भयावही हो।